दो लड़कियां ट्रेन में सफर कर रही थी। पहली लड़की बोली, तुझे कैसा पति चाहिए? दूसरी बोली, करोड़पति। पहली, अगर करोड़पति न मिला तो? दूसरी, 50-50 लाख के दो भी चल सकते हैं। पहली, वो भी न हुआ तो? दूसरी बोली, 25-25 लाख के चार। इतने में ही ऊपर की बर्थ पर लेटा हुआ व्यक्ति बोला, जब बात 100 रुपये पर पहुंच जाए तो प्लीज मुझे उठा देना। एक बार एक कंजूस के घर बिजली कर्मचारी आया और मीटर को चेक करते हुए बोला, मीटर चेक करने आया हूँ, लगता है आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है, क्योंकि इस महीने आपका मीटर केवल 1 यूनिट ही चला है। कंजूस बोला, मीटर तो सही है, हम तो बिजली सिर्फ तभी जलाते हैं जब लालटेन ढूंढनी हो। एक पुलिस अफसर ने अपने पुत्र को समझाया कि वह अपने नाम के साथ ये भी बताया करे कि तुम SP भवानी सिंह के लड़के हो, ताकि दूसरों पर रोब पड़े। पर उसकी माँ को लगा कि इस प्रकार का घमंड बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए उसने ऐसा करने से मना किया। एक दिन घर में आए एक मेहमान ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम SP भवानी सिंह के लड़के हो? इस बात पर बच्चा बोला, पिताजी तो यही कहते हैं, पर माँ मना करती है। इन चित्रों को देखो, मैडम कह रही, सर शिवम मेरा भाई है। अब सर, क्या शिवम तुम्हारा भाई है? मैडम, हाँ सर। सर, ओ माई गॉड, इसका मतलब तुम शिवम की बहन हो, ये DYG साहब बोलते हैं। बुद्धिमान और मूर्ख में वार्तालाप। आप हर समय इतने शांत और खुश कैसे रहते हैं? दूसरा व्यक्ति बोला, मैं मूर्ख लोगों से बहस नहीं करता, उनको ये कह देता हूँ आप ही सही हो। पहला व्यक्ति बोला, पर ये सरासर बेतुका और गलत है। दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ आप सही हो। दोस्तों, हास्य और मनोरंजन से भरपूर चुटकुले व जोक्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।